राजधानी पटना के एक निजी स्कूल पर अभिभावक द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद स्कूल प्रशासन ने प्रेस वार्ता कर सफाई देते हुए बताया कि पीड़िता द्वारा दिए गए मेडिकल रिपोर्ट में कहीं भी बच्चे के साथ लगाए गए आरोपों के मुताबिक कहीं भी सेक्सुअल हरासमेंट की बात नहीं की गई है। वहीं प्रिंसिपल ने इस बात पर क्या कुछ कहा, आइए जरा सुनिए। मैं तो बोली, मेरा तो कहना है कि बिल्कुल यह निराधार है। अब कैसे उसको चोट लगी? 23 तारीख का है ना, जब वो तो बाइक लेकिन छुट्टी वो नहीं, तो हमारे पास तो उसके बारे में कितना बार भी पूछेगा तो हम यही कहेंगे कि हमारे पास उसकी कैपेसिटी नहीं है। 8 दिन का मामला टच नहीं, चाहे वो जेंट्स टीचर हो या लेडीज टीचर, अगर उनको किसी भी तरह की आप मैंने खींचकर शरीर को आप छू नहीं सकते, और मारने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये अनुशासनहीनता में। महिला रिपोर्ट दिखा रही है और फोटो दिखा रही है कि उसके पीठ पे जख्म के निशान पाए गए। किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं इंसाफ के लिए यहाँ, क्योंकि एक महिला टीचर पे आरोप लगी और उनको सम्मान चाहिए स्कूल के द्वारा। हम लोग तो यही कहेंगे ना कि आप इसका जो भी न्याय की प्रक्रिया है उसको अपनाइए, और हम लोग कहीं भी दोषी नहीं। सोपो जारी किया गया था 24 आवर के लिए, उसमें क्या रिपोर्ट मैडम कुछ भेजी? उनसे जो न्यूज पेपर के आधार पर ही उनको कहा गया कि भाई हाँ, ऐसे तो कोई कंप्लेन नहीं है, किसी तरह का कोई रिटर्न कंप्लेन नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर के आधार पर हम लोगों ने उनको सुपर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत बात है, यह निराधार है, मैंने उस बच्चे को छुआ था। स्कूल प्रशासन ने बच्चे के मेडिकल की मांग की है कि हाँ इनके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार हुआ या नहीं? हाँ, मैं उसके तो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने दिया है। अच्छा। लेकिन हम लोग भी एक चाहेंगे कि बच्चे आए सामने, उसका भी रिपोर्ट कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, उसका मेन मुद्दा है कि जो हमारे यहाँ की एक महिला शिक्षिका है जिनके बारे में यौन शोषण के बारे में आरोप लगाया गया है, तो उसका हम लोगों ने खंडन भी एक बार और प्रेस को बुलाकर किया था, और हमारे जो भी शिक्षिका हैं वो बहुत ही अच्छी शिक्षिका रही हैं और बहुत केयरिंग रही हैं, और हम लोगों को ये पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो हमारी गार्जियंस हैं वो एक कह रही हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए, उनकी भी बात से हम लोग सहमत हैं, न्याय उनको मिलना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि सही चीज़ की परख हो, और अगर जहाँ भी जो दोषी होगा उसको ज़रूर दंड मिलेगा, लेकिन बिना दोष किए हुए उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। और आज से नहीं है, वो 17 साल से हमारे यहाँ काम कर रही हैं, और बच्चों और अभिभावकों में काफ़ी लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो सभी बच्चों को बहुत ही स्नेह के साथ पढ़ाती हैं और बहुत ही शालीन महिला है। और हमारे जो महिला शिक्षिका हैं या हमारे जो शिक्षक हैं उनमें भी यह बार बार प्रश्न आ रहा है कि हम लोग इतना सारा वर्क करते हैं, इतनी ऑनेस्टली वर्क करते हैं, इसके बाद हम लोगों पर ऐसा आरोप लगता है, तो यह तो हम लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे जब हम लोग कुछ किए नहीं। कहने का यह अर्थ है कि जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ इतनी बड़ी हम लोगों को दोषारोपण किया जाए। क्या आरोप लगाया गया? आरोप लगाया गया है कि बच्चों के साथ उन्होंने यौन शोषण किया है, और ये आप समझ सकते हैं किसी भी महिला के लिए, एक संभ्रांत जो महिला है उनके लिए कितनी बड़ी बात है, उनके लिए आप सोच सकते हैं कि वो कैसे सहन कर पा रही होंगी इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रेस विज्ञप्ति का रिपोर्ट भी है जो आप लोग को दे देंगे, जो हमने पिछली बार छपवाया था, मेन मुद्दा हम लोग का यही है। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जिया अभिनव प्रोडक्ट्स, प्लैटिनम अगरबत्ती,
बाबा लहठी भंडार इस्लामपुर रोड मुजफ्फरपुर, चंद्रान आईएएस एकेडमी मेकिंग योर करियर शाइन, हल्दीराम खुचियावाला चॉइस ऑफ इंडिया, लेडी प्राउड जियो जिंदगी बेहिचक उन दिनों में टेंशन फ्री, नॉर्थ पॉइंट चिल्ड्रन स्कूल वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, रामा हार्डवेयर जवाहरलाल रोड मुजफ्फरपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल, नेशनल इन स्पिरिट इंटरनेशनल इन स्टैंडर्ड्स, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल एरिया नारायणपुर अनंत रोड मुजफ्फरपुर, VLCC गोला रोड मुजफ्फरपुर, हर घर की पसंद ग्रीन इंडिया आपकी संतुष्टि मेरी पहचान, गोदरेज अप्लायंसेस सोच के बनाया है, बिरयानी दरबार वर्मा कॉम्प्लेक्स मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, प्लैटिनम चिल्ड्रन स्कूल सेल्फ बिलीव बेस्ट बिलीव, जावेद हबीब हेयर स्टूडियो यूनिसेक्स सलोन मुजफ्फरपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज वीरगंज नेपाल। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।